दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना संभव हो आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर किसी से मिलते हैं, किसी का घर से बाहर निकलते हैं, तो मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स मैक्सिमम यूज़ करें। दोस्तों आज के टॉपिक में हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हॉस्पिटल में और उसके बाद भी मेरे पास प्रीवियस 2-3 दिनों से काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर हमें प्रॉपर टेस्ट और स्मेल सेंसेशन नहीं मिल पा रहा है। यानी कि किसी को अगर स्मेल पता नहीं चलता है कि स्मेल कैसी आ रही है, या फिर जो आप खाना खाते हैं आपको टेस्ट पता नहीं चलता है कि टेस्ट कैसा है, खट्टा है या मीठा है, तो उस कंडीशन में क्या आपको कोविड इन्फेक्शन है? क्योंकि आज के समय में फेसबुक और व्हाट्सएप के जो डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत लंबी लिस्ट है और ये हर दिन आपको नया नया ज्ञान देते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को फीवर या कोल्ड था और अगर उसको अभी सेंसेशन या फिर प्रॉपर टेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो वो कोविड इन्फेक्टेड हो चुका है। तो क्या रियलिटी है और इससे कैसे बचें, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि समझिएगा कि टेस्ट या फिर जो हमारा स्मेल सेंसेशन है ये जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कोल्ड के बाद मैक्सिमम लोगों को होती है, ठीक है। ये जो पूरा खेल है ये ब्रेन से निकले जो नर्व्स होती हैं, यानी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनमें से दो नर्व ऑल्फैक्टरी, जो कि पहली क्रेनियल नर्व है, और ग्लासोफैलेंजियल, इन दोनों के नर्व्स में जब कोई डिफेक्ट होता है तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। मेडिकल में इसको बोले हम तो उसको बोलते हैं राइनोसाइनोसाइटिस, इस बीमारी का नाम है। और इसमें नॉर्मली जो है पेशेंट अपनी सांस में जो से महसूस कर पाता है कि कैसी स्मेल आ रही है, और क्योंकि जब सांस में से प्रॉब्लम आती है तो फिर टेस्ट बड्स भी जो है वो इनएक्टिव होते हैं और आप टेस्ट को भी जो है पहचानने में असमर्थ होते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या ये कोविड के लक्षण है या फिर ये होता कैसे है। बहुत सिंपल चीज़ समझिएगा कि तीन प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला हमारा एलर्जी है, दूसरा हमारा बैक्टीरियल है और थर्ड हमारा वायरल है, ठीक है। एलर्जी में क्या होता है कि एलर्जी धूल से किसी को डस्ट से, ठीक है ना, एलर्जी होती है। और इसमें होता है कि आपकी जो WBC की सेल्स होती हैं, ठीक है, स्नोफिल, वो बढ़ जाती हैं, और स्नोफिल सेल के बढ़ने से आपकी जो नाक में स्वेलिंग होती है, यानी कि जिसको राइनोसाइनोसाइटिस बोलते हैं, इसके चक्कर में आपकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स सेंसेशन लेके जाती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है और आपको स्मेल का पता नहीं चलता है। दूसरा होता है बैक्टीरिया। अब दोस्तों बैक्टीरियल में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जिसमें प्रमुख हमारा है स्ट्रेप्टोकॉकस हो गया, न्यूमोकोकल हो गया, या फिर स्पेलजियस हो गया। तो ये कई सारी बैक्टीरियाज हैं जो एटमॉस्फेयर में हैं, ये जो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमें कोल्ड होता है तो फिर हमारी नाक की जो स्मेल है वो चली जाती है। फिर आती है वायरल, तो वायरल में बहुत सारे वायरस हैं और इसमें से एक वायरस कोविड का भी है, कोरोना वायरस है, तो इसमें भी जो है लोगों को स्मेल या सेंसेशन जाता है, लेकिन हर बार ऐसा कोविड ही हो ये कहना गलत होगा। तो सवाल अब ये आता है कि आखिर अगर किसी व्यक्ति ने अपना स्मेल या फिर टेस्ट सेंसेशन खोया है तो वो ट्रीटमेंट क्या करेगा। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। आपके घर में गर्म पानी मिल जाता है तो आप स्ट्रीम यानी भाप लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप धूल, धूप, डस्ट, इन सबसे बाहर जो है, धूल, धूप, धुआं, है ना, इन सबसे थोड़ा दूर रहें। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो कुछ दिनों तक अपने आप को किसी रूम में सेल्फ आइसोलेट कर ले, उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर जो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन को लेकर भी ठीक हो सकते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम, अगर किसी कोल्ड होता है तो नॉर्मली 3-4 दिन 5 दिन ले लेता है ठीक होने में। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप जो है नेजल स्प्रे आते हैं बहुत सारी कंपनीज के, आपको जो इजी में अवेलेबल हो जाए आप उसको यूज़ कर कर एंटी एलर्जिक दवाइयों को लेकर, स्ट्रीम को लेकर, गर्म पानी को पीकर, काफ़ी चीज़ों को कर कर ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना या फिर किसी बहुत ज़्यादा से पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ में आपकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रही है या फिर आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो ही आप जो है घर से बाहर निकलें या फिर अपने डॉक्टर से बात करें। तो अगर आप, मुझे उम्मीद है ना आप ये चीज़ें डाउट आप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम सवालों का आंसर दे सकूँ ताकि आप सभी घर पर रहें, सेफ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।